पैसा आ जाने से हम खुद अपने हाथों से मंदिर बना बना के उनको दे रहे हैं, उनकी कोई इधर जगह ना इधर गलत है नहीं, अपने हाथों देखो से ना नहीं बना के देना जिधर जिधर हिंदू ज्यादा होंगे उधर मंदिर बनेगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरि कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से इधर यूएसए के अंदर भी इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामी युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रख। अच्छा, जन्माष्टमी होता है इसके अंदर, जो लॉर्ड कृष्णा का जो है वो अपीयरेंस डे, मतलब बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो की बर्थडे आप समझ लें एक तरह से, तो जन्माष्टमी वो होती है। और अब तो लोग दो दो तीन तीन दिन इसको मनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP News 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि हिंदू कल्चर इतना ज़्यादा फिलहाल प्रोग्रेस पे है कि अब जो अरब कंट्री हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें भी जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए देख रहे हैं आप लोग, आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा। साथ ही साथ अमेरिका और चाइना भी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। जितनी भी ये क्लिप आपने पहले देखी, सभी बाहर की अदर कंट्री की क्लिप हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो त्यौहार है बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। आपने देख भी रहे होंगे कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं अपने बच्चों की जिद को पूरे करते हुए उन्हें कोई कृष्ण बना रहा है, कोई राम बना रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो मीडिया है और जो पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं वो कहीं ना कहीं भुने हुए बैठे हैं, और इन वीडियो को देख कर वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। और दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है, क्या बात है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरि कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से इधर यूएसए के अंदर भी इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं, क्या चल रहा है वो अभी चल रही है क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जन्माष्टमी है, जिसको नहीं पता मैं उसके बारे में बता दूं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। अच्छा, जन्माष्टमी होता है इसके अंदर, जो लॉर्ड कृष्णा का जो है वो अपीयरेंस डे, मतलब बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो की बर्थडे आप समझ लें एक तरह से, तो जन्माष्टमी वो होती है। और अब तो लोग दो दो तीन तीन दिन इसको मनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और अमेरिका में भी हमेशा की तरह पर भी बहुत ही, और अभी मैं वही जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कुर्ता सलवार पहने हूँ, तो मैं भी वही जा रहा हूँ अभी। और जन्माष्टमी जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं जो मैंने घर वापसी की वो भी लॉर्ड कृष्णा की वजह से करी, थ्रू इस्कॉन मैंने करी, ऑफ कोर्स ये तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल होगा बिल्कुल। अच्छा, ये फेस्टिवल फेवरेट होने की वजह क्या है? देखिए, मैंने बात पहले भी कही थी दैट आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट फॉर लॉर्ड कृष्णा, मैंने पहले भी कहा था। और उसका रीजन ये है कि जब से मैं छोटा बच्चा था, मैं जब से जो कार्टून पसंद करता था वो कृष्णा कार्टून देखता था, और इतना मेरा जो है वो क्रेज था उसके पीछे, दैट आई इवन यूज्ड टू स्किप माय स्टडीज फॉर दैट, ना इतना मेरा क्रेज था, जिसकी वजह से, बट मुझे उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ अंटिल आई केम टू अमेरिका एंड जॉइंड इस्कॉन एंड वेंट टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, ना मुझे फिर ये बात समझ आई कि इतना क्रेज क्यों था मेरे लिए। And it's more about, I would say, spiritual connection actually. एक ये मैं इसको spiritual connection समझता हूँ more than anything. So yeah, this is where I am and I feel very happy of what I'm following. बिल्कुल सही। अच्छा श्यान, मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि हिंदू फेस्टिवल को यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा मतलब मनाया गया जाता है, यहाँ अभी भी बहुत बड़ी मतलब एक मैं कह सकती हूँ ह्यूज एरिया के अंदर आप लोगों हिंदू का जो फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम फेस्टिवल भी इसी तरह मनाया जाते हैं जैसे हिंदू फेस्टिवल मनाए जाते हैं? बिल्कुल, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो मुस्लिम हिंदू फेस्टिवल हर चीज की रिस्पेक्ट की जाती है। मुस्लिम फेस्टिवल होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस, हर जगह से लेकर इशू होता है, कांग्रेचुलेट कम्युनिटी को। हिंदू फेस्टिवल होता है, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो कांग्रेचुलेट किया जाता है, और ये चीज हर जगह होनी चाहिए। अमेरिका जो करता है हर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देता है, यही बात है अमेरिका जो आगे बढ़ा है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या डिसिप्लिन दिखाते हैं हमारे पाकिस्तानी जो उधर मौजूद हैं फेस्टिवल्स में, या व्हाइट हाउस को भी अपने जज्बात से थोड़ा इधर उधर कर देते हैं? देख, ऐसे पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह बैठे हुए, लेकिन जो अमेरिका आते हैं ना, तो अच्छे अच्छों का जो है ना जरा दिमाग सही हो जाता है। इनको पता है कि अगर ये कोई पाकिस्तान जैसे चिचोरपन यहाँ पर करेंगे तो सीधा ही अंदर जाएंगे। इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी, तो थोड़ा ये लोग अपनी औकात में रहकर करते हैं। फिर तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को एक दफा अमेरिका का विजिट करवा के वापस ले आना चाहिए ताकि सीख के सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तिदा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक यू नो इट्स वेरी स्पिरिचुअल ऑफ दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लेकिन वो जस्ट सो नॉट पीसफुल, बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर, और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से यू नो समझने लग गए हैं, दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो, इसीलिए इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। देखो कैसे देखती है, हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू, तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसान हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शायला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में? अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता, नहीं थी ना, इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते, या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to know कि यू कॉन्ट बी टेकन ग्रांटेड एवरी टाइम, हर बार आप यू नो आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आजकल ऐसा हो गया है, अगर आप देखेंगे पीपल हैव बिकम सो यू नो पीपल आर गेटिंग मोर वायलेंट डे बाई डे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम कब तक चुप रहे हैं, कि स्पेशली जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी जो है घर वापसी का फिर से वो एक चीज सिलसिला शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया है या फिर मुस्लिम लड़कियों की मजबूरी बन गई है? ना ये मजबूरी है ना ये ट्रेंड है, मतलब मजबूरी कोई आपको घर से निकाल कर तो नहीं कह रहा है कि आप आओ, और आपको जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है कि आप आओ और घर वापसी करो। मेरे हिसाब से जो घर वापसी कराई जा रही है तो जो संस्था है जैसे मैं जिनको जानती हूँ, तो ये लोग के पास लड़कियों का फोन आता है कि हमें घर वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें